इंडस्ट्री की सबसे चर्चित प्रोड्यूसर एकता कपूर हमेशा किसी न किसी विवादों में फंस जाती हैं। यूं तो आप जानते हैं कि हमेशा एकता अपने शोज को लेकर चर्चाओं में बनी रहती हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि एकता को उनके कपड़ों को लेकर ट्रोल कर दिया जाता है, तो कभी एक एक्टर खुद ही खुलासा कर देता है एकता के बारे में, जिसे सुनकर खुद एकता भी भरोसा नहीं कर पाती है। तो ऐसे में आज हम आपको एकता कपूर की कुछ ऐसी ही बातें बताने जा रहे हैं, जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ सकते हैं। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं और सबसे पहले एकता की कंट्रोवर्सी के बारे में आपको बताते हैं, जो कि अभी कुछ वक्त पहले ही हुई है। दरअसल एकता हमेशा अपने बोल्ड कहानियों के लिए भी जानी जाती हैं। ऐसे में इस बार एकता के वेब सीरीज XXX2 काफी ज्यादा विवादों में तब आ गई, जब बिग बॉस से चर्चित हुए हिंदुस्तानी भाव ने एकता कपूर पर ही केस कर दिया। उनका कहना था कि एकता कपूर ने अपने वेब सीरीज में इंडियन आर्मी के जवानों का मजाक उड़ाया है और उनका बहुत ज्यादा अपमान कर दिया है, जिसके बाद ये विवाद बढ़ता देख एकता कपूर ने खुद ही आगे आकर माफी मांग ली है। अगर एकता कपूर के दूसरे विवाद की बात करें तो एकता का अगला विवाद वो भी XXX से ही जुड़ा हुआ है। जी हाँ, आपको बता दें कि कुछ वक्त पहले एकता कपूर डायरेक्टर एन घोष के साथ XXX के नाम की एक मूवी बनाना चाहती थी। फिल्म में कम से कम 6 स्टोरी दिखाई जानी थी, जो कि छोटी छोटी स्टोरीज होने वाली थी, जिसके बाद एकता उस वक्त कास्टिंग कर रही थी और फिल्म का पहला लुक भी वो रिलीज कर चुकी थी। पोस्टर का टैगलाइन था, वैलेंटाइन छोड़ अब सिर्फ पलंग तोड़। उस वक्त फिल्म के नाम को लेकर भी काफी ज्यादा विवाद हुए थे। फिल्म के सेंसरशिप को लेकर फिल्म रिलीज नहीं हो पाई, लेकिन एकता कपूर ने हार नहीं मानी और उस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज कर दिया गया। एकता कपूर के अगर तीसरे विवाद की बात करें तो वो शोज के साथ साथ सुर्खियां तो बटोरती ही हैं, लेकिन काफी वक्त ऐसा भी हो जाता है कि उनके कपड़े उनका पीछा नहीं छोड़ते हैं और वो अपने कपड़ों की वजह से सुर्खियां बटोर ले जाती हैं। जी हाँ, कुछ वक्त पहले एकता कपूर एक इवेंट पे पहुंची थी, जहां वो स्टेज पर बैठकर लोगों से बात कर रही थी, लेकिन बात करते वक्त वो ध्यान नहीं दे रही थी कि उनके कपड़े कहाँ जा रहे हैं, और यही वो वजह है जिसके कारण काफी कुछ ऐसा दिख गया लोगों को जो कि नहीं दिखना चाहिए था। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब एकता कपूर अपने कपड़ों को लेकर ट्रोल हुई है, ऐसा कई बार हो चुका है। जिसके बाद अब एकता की अगली कंट्रोवर्सी पर बात करते हैं। एकता कपूर अपने एक्टर्स को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस रहती हैं। वो चाहती हैं कि एक्टर ठीक वैसा ही करे जैसा वो चाहती हैं, लेकिन कभी कभी एकता इसी वजह से मुसीबत में फंस जाती हैं। काफी पहले एक्टर अमर उपाध्याय ने एकता पर संगीन इल्जाम लगाया था, जहां उनका ये कहना था कि एकता खिलौने की तरह एक्टर्स को यूज करती हैं, और यही वो वजह है जिसके कारण अब मैं आगे कभी उनके साथ काम नहीं कर पाऊंगा। तो वहीं दूसरी ओर एक जमाने में एकता कपूर और स्मृति ईरानी की दोस्ती मिसाल कायम करती थी, लेकिन कुछ वक्त पहले उन दोनों के बीच में भी लड़ाई हो चुकी है, क्योंकि स्मृति ईरानी ने खुलासा किया था कि एकता कपूर अपने कलाकारों को बंधुआ मजदूर समझती हैं। जिसके बाद अब हम आपको आखिरी कंट्रोवर्सी के बारे में बताते हैं, जो कि एकता कपूर के बचपन से जुड़ी हुई है। कहा यह जाता है कि एकता कपूर अपने पापा के काफी करीब हैं। ऐसे में श्रीदेवी जब जितेंद्र से मिलने एकता कपूर के घर पहुंची, तो ऐसे में एकता को ये लगा कि वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, और काफी वक्त से ये खबरें भी आ रही थी कि जितेंद्र और श्रीदेवी एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। और तभी एकता ने अपना खुराफाती दिमाग चलाया और उन्होंने श्रीदेवी के ऊपर एक ग्लास पानी फेंक दिया था, जिसके बाद वो फिर से विवादों में आ गई थी। तो ये थी एकता कपूर की 5 बड़ी चीजें, जो कि आप जानकर भी समझ सकते हैं कि आखिर एकता कपूर ने अपनी जिंदगी में क्या क्या झेला है। तो कैसी लगी आपको ये खबर, ये हमें जरूर बताइए अपने कमेंट्स के जरिए।